नाज़रीन मोहतरम, थाईलैंड से एक हैरानकुन खबर सामने आई, जहां पर आलमी मार्केट तक नारियल की तिजारत के लिए बंदर आज भी बेहतरीन लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक बंदरों से लेबर के तौर पर काम करने का इंकशाफ जानवरों के हकूक की आलमी तंजीम पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल की रिपोर्ट में किया गया। तंजीम ने 2019 में एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन की, जिसकी तफसीलात जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक नारियल तैयार करने वाली कंपनियों, सुपरमार्केट चेन और थाईलैंड की हुकूमत ने जानवरों के हकूक की आलमी तंजीम को यकीन दहानी करवाई कि आइंदा से बंदरों को नारियल की तिजारत में लेबर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इंडोनेशिया और फिलिपाइन के बाद थाईलैंड नारियल का तीसरा बड़ा बरामद करंदा मुल्क है और 2019 में थाईलैंड से 5 लाख टन नारियल एक्सपोर्ट किया गया। हालिया कुछ बरसों में कोकोनट मिल्क का डेयरी मिल्क के मुतबादिल के तौर पर दुनिया भर में इस्तेमाल बढ़ चुका है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 5 बरसों में कुछ कोकोनट मिल्क की इंडस्ट्री का वॉल्यूम दुगना हो जाएगा। कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने कहा है कि थाईलैंड के इन ताजरों से माल खरीदना बंद कर दिया जो बंदरों से लेबर के तौर पर काम करवा रहे थे। थाईलैंड में कई किसान बंदरों को दरख्त से नारियल तोड़कर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अगर कोई बंदर दरख्त की ऊंचाई से नारियल तोड़कर नहीं लाते तो इन्हें सजा के तौर पर जंजीरों में बांध दिया जाता। इनमें से बाज को सजा के तौर पर छोटे पिंजरों में बंद करके दूसरे इलाकों में मुंतकिल कर दिया जाता है। जानवरों के हकूक की आलमी तंजीम ने जो खुफिया फुटेज बनाई है, इसमें देखा जा सकता है कि जिन बंदरों को सजा दी जाती है वो चीखो पुकार करते हैं और इन्हें दीगर बंदरों से अलहदा पिंजरों में बंद करके रखा जाता है। तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के जनूबी इलाके में 3000 से ज्यादा बंदर नारियल के फार्म में मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, थाईलैंड के कानून के मुताबिक बंदरों को पकड़ कर कैद करना कानूनी तौर पर जुर्म है। खिलाफ वर्जी करने वाले को न सिर्फ जुर्माना आयद किया जाता है बल्कि उन्हें 2 साल कैद की सजा भी दी जाती है। थाई हुकूमत ने मक्की स्कूल बंद करने का हुक्म जारी किया है ताकि किसान इन बंदरों को तरबियत देकर लेबर के तौर पर इस्तेमाल ना करें, लेकिन इस कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।